अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज फॉर यू। दोस्तों अभी पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर का पेपर अपलोड कर लेते हैं कि जो आज ही के दिन ईटा के थ्रू पेशावर डिवीज़न के लिए लिया गया है। पेपर में कुछ एमसीक्यूज क्लियर नहीं है तो पहला पेज आपके साथ शेयर कर लेते हैं, होपफुली कि पेपर पर मिल भी जाएँ, और अगर पेपर मिल जाता है साफ शफाफ तो फिर से दोबारा से शुरू करेंगे। अभी जो एमसीक्यूज है वो आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन को देखें जी। क्वेश्चन नंबर वन में जो पूछ रहे थे, ह्यूमन ब्रेन इन क्लोज्ड इन अ बोनी केस कॉल्ड ह्यूमन ब्रेन, जिस बोन में केस हुआ है इसको हम क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू को देखें, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसमिट करता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए, वी बॉट अ हाउस विच इज़ वेरी ओल्ड, विच इज़ वेरी ओल्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया और पूछ रहे कि क्या ये ना ये रिलेटिव क्लास है, वो क्लास के जिसमें विच दे देट वगैरह यूज ओवर रिलेटिव क्लास कहलाता है। दिस इज रिलेटिव क्लास। एंड क्वेश्चन नंबर फोर को देख लिए, द वर्ड एम्ब्रेस इज एंटोनिम टू एम्ब्रेस, इसका एंटोनिम यहाँ पे रिजेक्ट है। एम्ब्रेस मीन कबूल करना, अपनाना, या फिर इसका रिजेक्ट हो जाएगा एंटोनिम। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए, इट हैज़ बीन 20 ईयर्स, इट हैज़ बीन लगेगा, इट हैज़ बीन 20 ईयर्स सिंस ही प्लेड फुटबॉल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड सिक्स को देख ले, द वर्ड डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मीन इम्तियाज, फ़र्क, डिफरेंस, इसकी मायने जो बनेगी वो डिफरेंस बनेगी। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सेवन को देखिए, वी फाउंड इट अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड, ये मेटाफोर है, We found it under a blanket of sand. This is metaphor. Option A correct हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, ये वर्ड क्या दिया है अब ये नज़र नहीं आ रहा तो इसको भी छोड़ देते हैं। और इसके बाद ये दो जो इस्लामियात के कि उर्दू के हैं ये भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे, इनको भी छोड़ देते हैं। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, जैसे नंबर 11 में जो पूछे, द स्टोरी इज़ टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, क्रेडिबल वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया, पूछ रही क्या क्रेडिबल की मीन बिलीवेबल। ये आई थिंक इससे पहले हज़ारा डिवीज़न वालों का जो टेस्ट हुआ था ये उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, क्रेडिबल मीन बिलीवेबल। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले एक पेपर हुआ था पीएसटी का, किस सिटी का, उनमें ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख ले, क्वेश्चन नंबर 12 जी आपसे पूछ रहे, द वर्ड फिल्ट लाइक अ डिगर इन माई हर्ट, लाइक और एज वर्ड जब यूज़ हुए जुमले में, एल आई के लाइक और एज, ए एज वाला एज, ये दोनों जब जुमले में ऐड हो जाए या इस्तेमाल हो जाए इसको हम स्माइल कहते हैं, स्माइल। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इसमें 13 को देखिए, सारा बिगेंस टू स्नीज वैन एवर, यहाँ पे वैन एवर लगेगा, सारा बिगेंस टू स्नीज वैन एवर शी ओपन्स द विंडोज टू गेट अ ब्रीथ इन टू गेट अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर वैन एवर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 14 को देखिए, फ्रेंड फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी, फॉल ऑफ की मायने यहाँ पे बनती है टू विथड्रॉ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू विथड्रॉ। सो दीज वर एमसीक्यूज ऑफ पीएसटी पेपर, इंशाल्लाह बाकी एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर होंगे। सो तब तक के लिए स्टे विद अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।